Hello kids, now today we are going to see our fourth lesson, Idgah. Idgah, first of all we see about some information about writers. Idgah wrote by Munshi Premchand is the greatest figure in 20th century Hindi literature. He wrote over 300 short stories which contain a rich variety of description of Indian life. He shows a great sympathy for the poor peasants. Premchand was born in 1880 and died in 1936. ये जो ईदगाह स्टोरी है ये मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उन्होंने लिखी हुई है. वो हिंदी लिटरेचर के, हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे जाने माने लेखक थे. उन्होंने ईदगाह ये स्टोरी गोदान जो एक सीरियल चलती थी दूरदर्शन पर, आई थिंक वो चैनल पर चलती थी. अगर आप नेट पर गोदान ऐसा डालोगे यूट्यूब में तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी के हर एक शॉर्ट स्टोरीज वहाँ पे पिक्चराइज की हुई मिलेगी. ईदगाह भी उसमें है, गोदान सीरीज में ईदगाह भी आपको मिलेगी, तो आप डालकर वो वीडियो भी देख सकते हो. यूट्यूब पर आपको मुंशी प्रेमचंद एंड ईदगाह डालना है, बस आपके सामने वो सीरियल आ जाएगा. वो सीरियल चलता था. उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर लोगों के लिए लिखा है. इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी थी ना, तो वो गरीब लोगों के बारे में लिखा हुआ है. तो बच्चों आप वो सब देख सकते हो. तो वही लेसन यहाँ पर मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दिस लेसन ऑफ मुंशी प्रेमचंद शॉर्ट स्टोरी ईदगाह. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड this lessons. On the morning of Eid, the village buzzes excitedly. Everyone is up early to go to the Idgah mosque in town. Mosque means masjid. Festivals, how we celebrate festivals, बड़े तो नहीं लेकिन बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट रहती है फेस्टिवल्स को लेके, जैसे आप लोगों में है ना, उसी तरह ईदगाह के स्टोरी के ये सारे बच्चों में भी बहुत एक्साइटमेंट थी. और ये कौन सी कास्ट के दिखाया है? हाँ, मोमेडियन. इसलिए मॉस्क्यू मींस मस्जिद. मस्जिद में जाते हैं ईद के वक्त, जैसे हम हमारे त्यौहार के वक्त नहीं, मंदिर, पंजाबी लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, वैसे ही ये मॉस्क्यू में जाते हैं. तो वो हमीद की स्टोरी दिखाई है. छोटा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं उसको उसकी नानी संभालती है, ग्रैंड मदर संभालती है. तो वो स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है. ऑन द मॉर्निंग ऑफ ईद द विलेज बजेस एक्साइटेडली. एवरी वन is up early to go to the Idgah mosque in town. ईद का दिन था, सब बहुत खुश थे, ईद मनानी थी, इसलिए वो जो सुबह जल्दी जल्दी उठ रहे थे. तुम उठते हो ना जल्दी कोई त्यौहार हो तो? हाँ, उसी तरह जैसे तुम्हारा बर्थडे हो तब तुम उठते हो, उसी तरह वहाँ का भी एटमोसफियर था. द बॉयज़ आर द मोस्ट एक्साइटेड. वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, एक्साइटेड मीन्स बहुत खुश थे. At least Eid has come. Their pockets bug with coins. जैसे ईद आती थी उनके पॉकेट्स में क्या आते थे? पैसे. घर वाले उनको पैसे देते हैं, तुम्हारे बर्थडे पे नहीं तुम्हें पैसे देते हैं, या किसी त्यौहार पर पैसे देते हैं और तुम्हें ले बोलते हैं कि तुम ये पैसों से जो चाहो वो खरीदो. They keep counting and recounting them. और उन्होंने जो पैसे इकट्ठा किए थे या किसी बड़ों ने उनको पैसे दिए थे वो इकट्ठा किए थे, वो बार बार वो पैसों को काउंट कर रहे थे. महमूद हैज़ 12 प्राइज.
मोसिन हैज 50 पाइज, हाँ पाइज इट इज, मोसिन हैज 15 आउट ऑफ दिस होड दे विल बाय टॉयज. नाउ सी हियर आर थ्री चिल्ड्रंस. फर्स्ट इज महमूद. महमूद हैविंग 12 पैसे. देन मोसिन 15 आउट ऑफ हिज होड. होड मीन्स सीक्रेट स्टोर ऑफ समथिंग वैल्यू, मीन्स नहीं छुप क्या पिग्गी बैंक होती है, उसमें सब पैसे इकट्ठा करके रखते हैं. तुम सब रखते हो ना, उसी तरह से सीक्रेट तरह से रखे हुए पैसे, क्योंकि वो दिखते नहीं लेकिन हम डालते जाते हैं उसमें. उसी तरह विल बाय टॉयज. फिर वो बच्चे क्या डिसाइड करते हैं कि अभी हम क्या खरीदेंगे, टॉयज और स्वीट्स एंड बहुत कुछ. अभी तो उनको बहुत सारी चीज़ें, कुछ किसी को खेलने की चीज़ें खरीदनी होती हैं, किसी को खाने की चीज़ें खरीदनी होती है. उसी तरह वो भी प्लान कर रहे होते हैं कि हमें जाकर क्या खरीदना है. द हैप्पीएस्ट बॉय इज हमीद. उनमें सबसे हैप्पी बच्चा कौन था, हमीद. ही इज़ ओनली 4, पुअरली ड्रेस्ड एंड फैमिश लुकिंग. अभी हमीद के पास सबसे कम पैसे थे और वो कैसा था, पुअर, गरीब था. ड्रेस भी कुछ इतना अच्छा नहीं था लेकिन ड्रेस था. हिज फादर एंड मदर डाइड लास्ट ईयर. मैंने आपको पहले ही कहा था ना, उसको मम्मी पापा नहीं थे, वो पिछले साल ही भगवान के घर चले गए थे. नाउ हमीद स्लीप इन ग्रैनी अमीनाज लैप. वो किस हमीद किसके साथ रहता था, उसकी ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर का नाम क्या है, अमीना. अमीनाज लैप मीन्स वो अमीना, ग्रैंड मदर अमीना के साथ रहता था. ही टेल्स हिम दैट हिज फादर एंड मदर हैव गॉन टू अल्लाह एंड विल रिटर्न विद सिल्वर गिफ्ट. अमीना, ग्रैनी अमीना ने क्या कहा था छोटे से हमीद को, कि तुम्हारे मम्मी पापा अल्लाह के पास गए हैं और वो जब भी लौटेंगे उनके पास सिल्वर मीन्स चांदी की तरह चमकने वाले बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे. दिस मेक्स हमीद हैप्पी. और ये चीज़ें फिर हमीद को क्या करती थी, हैप्पी करती थी. हमीद हैज़ नो शूज़. हिज कैप इज सॉइल्ड एंड टैटर्ड. हमीद के पास शूज़ भी नहीं थे अच्छे से, हाँ, और उसकी जो कैप थी जो पहनने वाली वो भी फटी हुई थी और पुरानी थी. इट्स गोल्ड थ्रेड हैज़ टर्न ब्लैक. वो कैप पर गोल्ड थ्रेड से कुछ डिज़ाइन की हुई थी लेकिन वो कैप इतनी पुरानी हो गई थी कि वो गोल्ड थ्रेड भी यूज़ कर करके ब्लैक कलर का हो गया था, उसका गोल्ड कलर भी निकल गया था. नेवर द लेस्ट हमीद इज हैप्पी. बाकी की सारी कोई चीज़ें नहीं थी उसके पास, ना बहुत सारा पैसा था, नो लॉट्स ऑफ मनी, नो पेरेंट्स, पर नो टू मच कॉस्टली ड्रेसेस ही इज़ हैविंग, नो शूज, नथिंग एनीथिंग एल्स, बट ही इज़ हैप्पी. मीन्स वॉट, ये सब चीज़ें, कार, बंगला, गाड़ी, बहुत खूबसूरत कपड़े, महंगे महंगे कपड़े, ऑल दोज थिंग्स क्या प्रोवाइड करती है हमें, बॉडी का कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं. पर खुशी तो अंदरूनी होती है ना, उसको कोई हम परचेस नहीं कर सकते हैं. हैप्पीनेस इज अवर ओन क्रिएशन, इट्स नॉट अ परचेसेबल थिंग्स. ऑल दोज थिंग्स, मनी, ऑल दोज थिंग्स आर प्रोवाइडिंग कंफर्ट फॉर अवर बॉडी, नॉट हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज अवर इनर फीलिंग. जस्ट लाइक दैट हमीद हैप्पी टू मच बिकॉज ही नो वेरी वेल, ये सब चीज़ें उसको कोई फर्क नहीं गिर रही थी. होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ लेसन. रिमेनिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.